इस रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बेल बटन दबाने से आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। मैं जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज का वीडियो मेरा अपडेटेड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन वीडियो है। ये जो रूटीन है ये मैं अभी समर्स में फॉलो कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने बालों की पोनी बनाती हूँ ताकि ये मेरे फेस पे बार बार ना आए और इरिटेट ना करें। और इसके बाद मैं अपने फेस को क्लिंस करती हूँ। मेरा फेस आज बिल्कुल क्लीन है, मैं कहीं नहीं गई थी, घर पे ही थी। दैट्स वाई बस मॉइस्चराइजर है फेस पे और जो नॉर्मल ऑयल सिक्रीट होता है वो है। बट स्टिल मैं डेली नाइट में सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। तो मैं मेरा न्यूट्रोजिना का डीप क्लीन फेस वॉश से मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन किया है और मैंने टी जोन पर ज्यादा ध्यान दिया है क्योंकि ऑयल का सिक्रीशन मोस्टली वहीं पर ज्यादा होता है। अब इसके बाद मैं मेरा जो DIY टोनर था जिसे मैंने टी ट्री ऑयल और रोज वाटर से बनाया था वो अप्लाई कर रही हूँ। मैं लास्ट 1.5 मंथ से ये यूज कर रही हूँ और बिलीव मी, अगर आपको पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम है तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि टी ट्री ऑयल जो होता है ये पिंपल और एक्ने नहीं होने देता है। इस टोनर की भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर चेक करिएगा। अब इसके बाद मैं अपने फेस को आइस मसाज करती हूँ। एक आइस क्यूब को कॉटन के क्लोथ में रैप करके मैं 20-30 सेकंड के लिए अपने फेस को आइस मसाज करती हूँ। डेली मैं ये चीज कर रही हूँ और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप दिन में धूप से कहीं आए हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन से आए हैं, बहुत ज्यादा टायरिंग डे था आपका, और अगर आप नाइट में ये चीज करते हैं तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। बिलीव मी, जस्ट ट्राई करिए इसे और आप भी मानेंगे कि ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है समर्स में एटलीस्ट फॉलो करने के लिए। तो 20-30 सेकंड ये करने के बाद मैं वापस से अपने फेस को पैट ड्राई कर लेती हूँ बिल्कुल क्लीन टॉवल से। अब इसके बाद मैं मेरी नाइट क्रीम लगाती हूँ। नाइट क्रीम भी मैं मेरी जो DIY नाइट क्रीम है ऑयली स्किन के लिए वही यूज करती हूँ। ऑल ओवर फेस पे इसको फिंगर से डैप करने के बाद बिल्कुल अच्छे से मसाज कर लेती हूँ मैं इसे अपने फेस पे। और अब इसके बाद मैं अंडर आई क्रीम अप्लाई करती हूँ। मैं मेरी DIY अंडर आई क्रीम ही यूज कर रही हूँ बिकॉज मैंने अभी जस्ट फिर से इसका नया बैच बनाया है। बट अगर मेरे पास ये नहीं रहता है तो मैं नॉर्मल स्वीट आलमंड ऑयल को अपने आंखों के आसपास अप्लाई कर लेती हूँ। अंडर आई क्रीम अप्लाई करने के बाद मैं मेरे लिप्स पे डेली हमेशा ही बोरोप्लस यूज करती हूँ। ये आप सबको पता होगा, अभी तक के बोरोप्लस के अलावा मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता मेरे लिप्स पे। और मेरे हाथों में अप्लाई करने के लिए मैंने जो DIY नाइट क्रीम फॉर ड्राई स्किन बनाया था वो मैं अप्लाई करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं उसे यूज नहीं कर सकती थी। दैट्स वाई मैं उसे अपने बॉडी में अप्लाई करने लग गई हूँ नाइट टाइम पे। देन एट लास्ट मैं एक ढीली सी पोनी करती हूँ अपने बालों की और फिर मेरा जो सोने का टाइम है वो हो जाता है। तो यहाँ मेरा जो ये सिंपल सा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन था ये कम्प्लीट होता है। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। फॉलो मी ऑन रोपोसो इंस्टाग्राम Google+ एंड फेसबुक। मेरा यूजर नेम है प्रीति प्रणव और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है।